आमिर खान की एक फिल्म आई थी सीक्रेट सुपरस्टार, और फिल्म रिलीज से पहले आमिर ने अंबानी हाउस में एक स्पेशल स्क्रीनिंग रखी थी। न खान्स, न रोशन्स, न जौहर, आमिर ने खास इस स्क्रीनिंग में कंगना रनौत को बुलाया था और इससे लोग थोड़े चौंक गए थे। लग रहा था कि आमिर कंगना की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ा रहे थे। कंगना भी खुश थी कि उन्हें आमिर ने इम्पोर्टेंस दी। कट टू 2019। कंगना की मणिकर्णिका रिलीज हुई, लेकिन उनकी फिल्म को आमिर ने प्रमोट नहीं किया। यहाँ तक स्पेशल स्क्रीनिंग्स पर भी आमिर नहीं आए। कंगना बस इतना चाहती थी कि आमिर फेवर रिटर्न करे, और इस बात पर आमिर के बारे में भला बुरा कह दिया कंगना ने। रिपोर्ट्स के मुताबिक कंगना ने आमिर को लेकर कहा, आमिर ने मुझे अपनी फिल्म दंगल और सीक्रेट सुपरस्टार देखने के लिए फोन करके बुलाया। मैं अंबानी हाउस गई क्योंकि ये फिल्म वुमेन एम्पावरमेंट पर थी, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये लोग मेरे किसी काम पर आएंगे। मेरी 2-3 फिल्में आने वाली है, लेकिन मुझे नहीं लगता ये कुछ उनके बारे में लिखेंगे। वेल, लगता है कंगना काफी नाराज है और अब वो आमिर से कोई उम्मीद नहीं रखती। वी होप आमिर कंगना के कंसर्न पर गौर करे और अपना रिएक्शन दे। आप क्या कहेंगे कंगना के इस थॉट को लेकर, बताइए हमें कमेंट्स करके।